आप दोस्तों स्वागत है आपका अनअकैडमी में और शुरुआत करते हैं आज का द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। और आज का डेट है जैसे कि 9 फरवरी और डेली बेसिस पे अपन यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। इसीलिए अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया जाएगा तो आपका ही फायदा है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इतने हाई क्वालिटी फ्री लेसन जो है डिफरेंट एडुकेटर्स के द्वारा सबको ऑनलाइन आते हैं और स्लॉट्स के बेसिस में ऑफकोर्स, और अपना ज्ञान आपको बांट जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अनअकैडमी को, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बट शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट वेदर यू कैन हेयर मी क्लियरली और नॉट, राइट? सो जस्ट मेक श्योर दैट जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सी इट, क्योंकि यहाँ से तो क्लियरली आ रहा है। सो हेलो एवरीबॉडी, हेलो कृष्ण, एंड देन हाय सुजाता, राइट? या सो क्लियर है ना? चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कोई बच्चे भी जुड़ेंगे, बट जुड़ने दीजिए। तब तक अपन डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, है ना, क्लास का। ऑलराइट, तो चलो बढ़ने से पहले दोस्तों ये मैं जरूर बता देना चाहता हूँ दैट अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में, तो लर्निंग ऐप आप डाउनलोड जरूर से कर सकते हैं, है ना। और ये रहा, आपको मेरा प्रोफाइल भी वहां पर मिल जाएगा। सिंपली आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, जो कि मेरा नाम दिया हुआ है, आई एम वेरीफाइड एंड स्टार एडुकेटर एट अनअकैडमी। आप सिर्फ वहां पे सर्च बार में जाकर सिर्फ मेरा नाम सर्च कीजिए, और ऑफ कोर्स वहां पर जाकर जो है ये हरा बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा फॉलो, ठीक है? क्योंकि अगर आप फॉलो क्लिक कीजिएगा तो मेरे द्वारा जितने भी सारे लेसन्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट कोर्सेज बनाए हुए हैं मेरे द्वारा, वो मैं कोर्सेज का डिटेल्स जो है एंड इस सेशन के एंड में जरूर से दे दूंगा। तो वो सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म में, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे को फॉलो कीजिएगा तो। या अब आ जाते हैं प्लस इनिशिएटिव के बारे में। अगर आपको नहीं पता होगा तो अनअकैडमी प्लस ने के द्वारा एक प्लस इनिशिएटिव चालू किया गया है, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, सीजीएल, देन बैंक, रेलवे, कैट, आईटीजेई, तो सब कुछ का आपको लेसन्स, आपको होली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं इन सब्सक्रिप्शन बेसिस में, अपने आपको इंक्लूड कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन कीजिएगा तो आप जैसे यूपीएससी कैटेगरी के अगर आप हैं तो यू विल बी गेटिंग टू लर्न फ्रॉम दीज हाई क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स लाइक मृणाल सर, ठीक है? ये अपने आप में ही इन एडुकेशन सेक्टर में इन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट किया हुआ है। सो या और अभी तो अगर आप चाहे तो फायदा भी उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी एक अनअकैडमी के द्वारा मॉडल्स भी लाया गया है जहाँ पर 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है बच्चों को, ठीक है? बट उस डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कूपन कोड डालना पड़ेगा, ठीक है? तो डिस्काउंट कूपन कोड कुछ नहीं, आपको सिर्फ अगर मेरा नाम भी आप क्लिक कर दीजिएगा ना, बस उस जगह में तो आपको ऑटोमेटिकली 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसे तो अगर 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो उसमें तो पहले से 50% डिस्काउंट है, प्लस एक्स्ट्रा 10% यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? सिर्फ आपको ये नाम ही क्लिक करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो चलिए आज का डायरेक्ट एडिटोरियल्स में आते हैं, जितने सारे एडिटोरियल सेक्शंस है डिस्कस करेंगे। कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर से डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स को फोकस किया गया है ना। बताया जा रहा है दैट इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन कीजिएगा तो इंडिया में ये काफी ज्यादा कम है। इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है ये काफी ज्यादा गिर रहा है ना। सो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पर रहा है ना, वैसे नॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत ज्यादा है, बट स्पेसिफिकली अगर जेंडर बेसिस में दीजिएगा ना तो वुमेन के ऊपर सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो ये सब हम लोगों ने अभी जो भी इसके सारांश को डिस्कस किया तो उसके रीजंस को हम लोग अभी डिस्क्राइबली पढ़ने वाले हैं, दैट क्या क्या है, क्यों इंटर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, क्या लेबर, अभी जो हमने बोला दैट वुमेन को ज्यादा ब्रंट फेस करना पड़ता है, सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दोस थिंग्स, विल रीड इट इन दिस वेरी आर्टिकल वेरी होलिस्टिकली एंड डिस्क्राइबली। ऑलराइट, सो तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा जरूर से पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। मंथली मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड्स। नाउ स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड ये किस क्या क्या चीज मैकेनिज्म है यार, है ना, किस चीज के अंडर ये मैकेनिज्म आता है?
तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दैट इज IMF के अंडर जो है एक मैकेनिज्म आता है जिसके तहत उसको कहा जाता है SDDS दैट इज स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके तहत जो है जो भी इस मैकेनिज्म को साइन करता है बेसिकली IMF का, देन दोज कंट्रीज हैव टू अबाइड बाई अ थिंग दैट आपके पास मंथली मेजरमेंट होनी पड़ेगी आपके देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के, जो भी रेट है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है उसके आपको मंथली मेजरमेंट रखना पड़ेगा। नाउ ध्यान देने की बात यह है दैट 1996 में इंडिया जो है इसका वन ऑफ द अर्लीस्ट सिग्नेटरीज बन गया था, ठीक है, बट अभी तक हम जो है इस चीज को, इसके हर एक प्रोविजंस को ठीक से नहीं मानते हैं, ठीक है। और ये स्टेब्लिश भी हुआ था जिससे कि कंट्रीज को हेल्प किया जाए टू एक्सेस द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला दैट इंडिया पहले से ही भी बहुत सारे प्रोविजंस में कॉम्प्लाई करता था, बट कुछ कुछ सेक्टर्स में एक्सेप्शंस है इन द मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली, जो कि मंथली यहाँ पर रिक्वायरमेंट बोला गया है, ठीक है। मंथली हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट हम ईयरली करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस एनी मेजर्स ऑफ मंथली एम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ना। ये सब मैं अच्छे से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, है ना। सिंपली ऐसा पूछ देगा द स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड्स वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, राइट। इट इज अ मैकेनिज्म अंडर वर्ल्ड बैंक, इट इज अ मैकेनिज्म अंडर IMF, इट इज अ मैकेनिज्म अंडर ब्ला ब्ला ब्ला, समझ गए आप क्या बोलना चाहता है। तो या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो सब भी जरूर से ध्यान रखिएगा, है ना। Official plans to measure unemployment is an annual and quarterly frequencies. Now, ये कहीं ना कहीं इंडिया के बेनिफिट को क्लेम नहीं करता क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं बोलती है दैट भैया हम लोग तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भाई, ठीक है, और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से फायदा उठा भी रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि आपके पास मंथली डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते हो दैट एक्चुअली आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा रहे हो क्या नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है ना, से फॉर एग्जाम्पल हमने एक एनुअल रिपोर्ट सरकार के पास आई, ठीक है, जो क्या 12 महीना का रिपोर्ट एक साथ उन्होंने दे दिया, तो हमारे पास तो एक ओवरऑल डेटा रहता है ना दैट हाँ भैया इस ईयर में जो है या फिर इस फाइनेंशियल में जो है ईयर में जो है इतने सारे इंप्लॉयमेंट्स मिले, ठीक है, हमारे पास ओवरऑल डेटा रहता है, ठीक है, तो हम उसको एवरेज कर देते हैं, है ना। बट यहाँ पर बोला जा रहा है दैट वो एवरेज वाला चीज को हटा दिया जा रहा है, आप बोला जा रहा है अगर आपके पास अगर मंथली डेटा अवेलेबल होना तो ज्यादा परफेक्शन उसमें रहता है चीजों को एनालाइज करने में, ठीक है। वही चीज यहां पर फोकस किया करते हुए बोला गया दैट हायर फ्रीक्वेंसी सर्वे का क्या क्या फायदा होता है ना। अब देखो एक चीज मैंने बोलना भूल गया, द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था ओवर द पास्ट 3 ईयर्स दैट फास्ट फ्रीक्वेंसी मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड एंड That seeking an exceptions to SDDS compliance is unnecessary. Basically, हमको देखो ये focus करना है इसके through that CMIE क्या है, ठीक है, वो है Center of Monitoring of Indian Economy, ठीक है, ये एक private enterprise है और इन्होंने ये भी demonstrate किया है over the past 3 years that fast frequency measures of unemployment जो है वो जरूर से किया जा सकता है और exceptions to SDDS compliance जो है ये बिल्कुल unnecessary है। अब यहाँ पे अब मैं higher frequency survey के बारे में discuss करने वाला हूं क्योंकि ये चीज जो है ना ये सब कुछ कुछ कीवर्ड्स है, ये बार बार बीच बीच में आ सकते हैं, पनप सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक क्योंकि बार बार इसका फुल फॉर्म नहीं डिस्कस करना है अपन को, है ना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, नाउ इन्होंने ये डिसाइड किया था दैट भैया हम जो है ये गैप फिल कर देंगे इन जनरेटिंग फास्ट फ्रीक्वेंसी मेजर्स ऑफ हाउस होल्ड वेलबींग इन 2014, और इसके लिए एक हाउस होल्ड सर्वे डेटा का भी गठन किया गया जिसको कहा जाता है कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे दैट इज CPHS, ठीक है। इसके तहत सैंपल साइज लिया गया 172,365 लोगों का, ठीक है। अब देखो इसके थ्रू भी सर्वे किया जाता है और एक दूसरा सर्वे किया जाता है, वो किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो है सैंपल डेटा जो है ये 1001 इतना सारा है, ठीक है, बट वहीं पर CPHS का जो सैंपल डेटा है
ये 172,000 है। तो आप खुद सोचिए कौन सा यू नो आपका रिजल्ट ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ऑफ कोर्स पहला वाला जिसका सैंपल डेटा ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मोर प्रिसाइज फिगर हमें मिल सकता है। ठीक है, इन बोथ द सर्वेज सैंपल सेलेक्शन मेथड हैज़ बीन ब्रॉडली द सेम। मतलब किस क्राइटेरिया में लोगों को सेलेक्ट करके उनसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग दिस, तो वो यू नो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बट ये CPHS जो पहला वाला है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना इंटायर सर्वे 4 महीने के अंडर कर दिया जाता है, 4 मंथ्स। ठीक है, और इसके इसका सालाना भी किया जाता है, दैट इज 4 मंथ इक्वल्स टू 12 मंथ। ठीक है, तो सालाना भी इसका डेटा रहता है, साथ ही साथ हर यू नो क्वार्टर आप बोल सकते हैं, क्वार्टर नहीं, हर 4 मंथ्स में जो है डेटास किए जाते हैं। ये कंटिन्यूस सर्वे है ना, और इसका सैंपल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी भी। ऑफकोर्स सैंपल से अगर ज़्यादा हुआ देन स्पेशली NSSO दैट इज नेशनल सर्विस सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर CPHS को थ्रू जो है कंडक्ट किया जाता है फेस टू फेस इंटरव्यूज, है ना, उसमें और GPS यूजेज स्मार्टफोन्स का यूज़ किया जाता है या फिर टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। NSSO में क्या किया जाता था अभी तक, दैट कागज़ में यू नो सर्वे कर लिया जाता था। ठीक है, कोई रफ कागज़ में सर्वे कर लिया, फिर घर में आके फिर कागज़ में अलग से उतारना है। तो आप सोचिए आप अगर इससे अगर नोट कॉपी करके फिर से यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर से गलत जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है ना ये, ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि आप एक तो फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हो CPHS में, है ना, और डायरेक्टली यू नो जो भी डेटा आ रहा है आप डायरेक्टली लिख ले रहे हो वहीं पर टैबलेट या फिर फोन में रजिस्टर हो जा रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है दैट जो भी डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा परफेक्ट हो। ठीक है, इंटेंस वैलिडेशन सिस्टम जो है ये इंश्योर करती है हाई फिडेलिटी ऑफ डेटा कैप्चर एंड ऑल वैलिडेशन आर रिक्वायर्ड इन रियल टाइम वाइल द टीम्स आर इन फील्ड। जब भी टीम यू नो सर्वे में अगर कर रहा हूँ रियल टाइम डेटा में फीड भी कर रहा हूँ। द डेटा कैप्चर मशीनरी इंश्योर्स डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी डेटा इन रियल टाइम, है ना, एंड ऑब्लिगेटिंग द नीड्स ऑफ एनी फर्दर क्लीनिंग और पोस्ट फील्ड ऑपरेशंस। मतलब क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम डेटा हो जाता है और सैंपल सर्वे साइज भी ज़्यादा है और रिस्पेक्टिवली काफ़ी कन्वीनियंट भी है, तो डेटा को जो है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे पहले सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटाज है, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है दैट भैया वो हाई क्वालिटी उतना डेटा नहीं है, सरकार खुद ही मानती है, है ना, बट ये क्योंकि यू नो स्मार्टफोन में टैबलेट में किया जाता है रियल टाइम बेसिस में विद हेल्प ऑफ फेस टू फेस इंटरव्यूज, तो वो कहीं कहीं ना कहीं डेटा को जो है हाई क्वालिटी माना जा रहा है। 2016 CMI added questions regarding unemployment and employment to this CPHS data, and since then बहुत सारे you know labor market indicators भी generate हो गए हैं। ठीक है, which are और इसके डेटाज जो है उसको freely available भी किया जाता है public use के कारण, जिससे लोग analyze करते हैं उस data को। Now key finding इसमें यह है that the most important message from the data is that Indian labor force participation rate जो है ये काफ़ी ज़्यादा low है by the world standard, दुनिया के standard अगर देख लीजिएगा ना तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हमारा low है, क्योंकि जहाँ पर world average 66% है वहीं पर हमारा देश का labor force participation rate जो है ये only 47% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दैट रिस्पेक्टिवली वर्ल्ड एवरेज से तो अपना कम है ना, है ना, और एक बहुत बड़ा रीजन बताया जाता है दैट इज डीमोनेटाइजेशन एज वन ऑफ द बेसिक रीजन जिसके कारण जो है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है बहुत नीचे गिरा है। क्यों? क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन आया था तब जो यू नो डिफरेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनकी वाट लगी पड़ी थी। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 47% से 2% और भी नीचे गिर गया, 2% विच इज अबाउट 13 मिलियन पीपल विच हु हैव डायरेक्टली मूव्ड आउट फ्रॉम द लेबर फोर्स, है ना। अब ध्यान देने की बात यह है दैट देखो उस समय तो हाँ 2% घटौती हुई थी बट अचानक से वो 2% घट गई थी। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है दैट देखो भाई इस डेटा के थ्रू जो ये तो बताया जा रहा है दैट हाँ उस समय यू नो थोड़ा घटा था बट बहुत जनों ने जॉब्स को अपना रिटेन कर लिया, है ना, क्योंकि लोगों को जॉब तो करना ही है ना, कहीं पर तो जॉब्स लेना ही है, तो उन्होंने दूसरे अदर सेक्टर्स में अपने जॉब को रिटेन किया बहुत लोगों ने।
बट बहुत लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने और जॉब्स के प्रति गए ही नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा दैट भैया लेबर फोर्स, ये जो मार्केट है ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो इसलिए उन्होंने फिर से अपने जॉब्स को रिटेन किया ही नहीं. बट इट वॉज लार्जली द अनएम्प्लॉयड हु डिसाइडेड दैट लेबर मार्केट हैड बीन सो बैडली यूटिलाइज्ड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन दैट दे गेव अप लुकिंग फॉर एनी जॉब्स. मतलब बेसिकली अनएम्प्लॉयड ज़्यादातर थे, ज़्यादातर वैसे लोग थे जो कि अनस्किल्ड थे, ज़्यादातर वैसे लोग थे जो क्या यू नो यूजुअली इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब ऑफकोर्स इनफॉर्मल सेक्टर की ज़्यादा वाट लगी थी, ठीक है? तो उन्होंने गेव अप ही कर दिया था, भैया और क्या जॉब करें, उससे अच्छा चलो भैया जाकर अपने यू नो खेती बाड़ी ही संभालते हैं, है ना? एज मोर एंड मोर पीपल मोर एंड मोर अनएम्प्लॉयड लेफ्ट द लेबर मार्केट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल. अब देखिए क्या हुआ ना, दैट क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट को ही, मतलब एम्प्लॉयमेंट मार्केट को छोड़ ही दे रहे थे, ठीक है? मतलब सैंपल साइज ही घट गया, तो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत हुआ दैट फॉर द टाइम बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फेल हो गया था, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ मिसलीडिंग दिखाया गया. क्यों? क्योंकि हमने बेसिक रीजन लेकिन भीतर में खंगाल के उसका नहीं देखने गया दैट ये क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि लोग ही हट गए. लोगों ने बोला तर चलो भैया और हम एम्प्लॉयमेंट के पीछे भाग के क्या करें, उससे अच्छा चलो अपना घर में जाकर यू नो कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लेते हैं, समझ रहे बात? तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार पड़ा इस सेक्टर को. और ऐसे तो प्रतीत किया जाता है दैट भैया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल हो गया, बट एक्चुअली ये नहीं हुआ, चीजें जो कुछ दूसरी थी. लोग जो है उस चीज के ऊपर से मन ही लोगों का उप गया था, लोग और एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते ही नहीं थे, इसलिए ओवरऑल रेशियो में जो है वो घटौती हो गई. दिस फॉल गेव मिसलीडिंग और एटलीस्ट कंफ्यूजिंग सिग्नल्स ऑलमोस्ट इंप्लाइंग दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज फॉलिंग इन अ पॉजिटिव सेंस. ऐसा लग रहा था, है ना, बट इन रियलिटी जो है चीजें कुछ अलग चल रही थी, जैसा कि मैंने अभी समझाया. अब बोला जा रहा है यहाँ पे इंडिया का फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है. अब फीमेल को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया है दैट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अगर देखिएगा तो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो एक तो काफ़ी ज़्यादा कम है, उसके बाद धीरे धीरे गिर भी रहा है. नाउ गिरने का बहुत सारे रीजन्स है, डिस्कस करेंगे हम लोग ऑफकोर्स, बट वन ऑफ द बेसिक रीजन आप बता सकते हैं दैट मटर्निटी रिलीफ जो दिया गया ना सरकार के द्वारा 6 महीने का, तो उसके तहत ये इंश्योर किया. लोग सोचते हैं, कंपनी सोचती है दैट यार लड़कियों को रखेंगे फिर क्यों, ठीक है? क्योंकि वो लोग मैटरनिटी लीव में तो उन लोग को फिर लीव देना ही पड़ेगा हमको जबरदस्ती, है ना? तो वो और लीव विथ पे देना पड़ता है, पे भी आपको देना पड़ता है, ऐसा नहीं दैट आप पे नहीं दोगे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये तो कंपनी का नुकसान हुआ ना भाई. रिसर्चेस हैव शोन दैट दिस फॉल इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग हाउस होल्ड इनकम्स. जी हाँ, रिसर्च भी किए गए हैं जिसके तहत ये भी देखा गया है दैट ये जो फॉल हो रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द राइजिंग हाउस होल्ड इनकम. दैट इज क्यों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट क्यों रही है, क्योंकि लोगों को जॉब अच्छा अच्छा मिल रहा है, लोगों के पास पैसे आ रहे थे. आप सोचिए किसी के घर का अगर मर्द अच्छा खासा कमा रहा है तो वो अपनी बीवी को बोलता है दैट भैया तुम काम करने क्यों जाओगी, है ना? सो इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो वुमेन का नीड है वही घट गया है. दूसरा बड़ा रीजन दिया गया दैट वुमेन्स जो है हायर एजुकेशन सेक्टर में काफी ज्यादा अपने आप को इनरोल करवा रही है, ठीक है? अब आप खुद ही सोचिए, हायर एजुकेशन मतलब या तो मास्टर्स कर रही है या फिर पीएचडीज कर रही है या डॉक्टरेट जिसको कहा जाता है, ठीक है? अब वो अगर कोई करेगा तो पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही ना जॉब में घुसेगा भाई. तो क्या होता है ना दैट कभी कभी तो पढ़ाई, सोचिए पीएचडी के लास्ट ईयर में या फिर पीएचडी करने वाले थीसिस उन्होंने जमा कर दिया तभी उनका शादी भी हो गया, है ना? और ऑफकोर्स यार पीएचडी वालों को यूजुअली अगर दिमाग कॉमन सेंस लगाइएगा तो अच्छा ही बंदे से शादी करेंगे वो लोग, है ना? तो औरतों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऑफकोर्स उनके जो हस्बैंड होंगे वो भी इतने एबल्ड तो होंगे जिससे वो भी यू नो अपनी बीवी का खर्चा चला सके, है ना? अब वो इतने एबल्ड है तो, और पीएचडी यूजुअली लोगों का उम्र हो जाता है एक लेवल तक, है ना? उसके बाद लोग सोचते हैं चलो भाई बच्चा पैदा करते हैं. अब जब बच्चा पैदा करते हैं तब वुमेन का कहीं ना कहीं यू नो बच्चों के ऊपर ज्यादा झुकाव हो जाता है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट से टोटली उनका नाता कट ही जाता है, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट इट टोटली डिलेज देयर एंट्री इनटू द लेबर फोर्स एंड कल्चरल एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स आर आल्सो द रीजन. कल्चरल मतलब कहीं ना कहीं टैबूज होता है दैट हाँ भाई अपने घर के यू नो औरत को क्यों नौकरी करने देंगे, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी रिग्रेसिव टैबूज है जो कि बहुत सारे हमारे सोसाइटीज में एग्जिस्ट भी कर रहा है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी फैक्टर्स भी है. ये जी हाँ, ये तो बहुत सही है दैट यू नो आई मीन गवर्नमेंट हैज समवेयर ऑर द अदर they have got failure to provide that much security to the women's, right?
सो यहाँ पे बताया गया है दैट CPHS जो है ये शो करता है दैट द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इज एक्सट्रीमली पुअर, काफी ज्यादा पुअर है, इनफैक्ट मच पुअरर देन द जो कि हमारे ऑफिशियल डेटाज या फिर ऑफिशियल एजेंसीज के पास डेटा है उससे भी काफी ज्यादा पुअर है. और इंटायर ब्रंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन जो है ये मैक्सिमम जो है वुमेन के द्वारा ही निभाया, मतलब सहा गया था. क्योंकि देखिए इसमें जो है ना मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों नेगेटिव इंपैक्ट हुई थी. ठीक है, अब देखो मेल्स को तो नौकरी करना ही पड़ेगा फ्यूचर में भी, है ना, क्योंकि मजबूरी होता है यार, मानो या ना मानो, है ना, तो इनको तो जाकर कहीं ना कहीं जॉब लेना ही पड़ता था. बट ये लोग सोचती थी चल भैया अब जॉब छूट गया तो क्या, चलो अब पति तो कमा रहा है खाता हूँ. ठीक है, तो इस काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक थिंकिंग है. आप मैं इसको अगेन जनरलाइज कर रहा हूँ, पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा हूँ, है ना. So make sure that you guys don't take in this to your own thing. And this level participation fell very slowly, very sharply in fact, while that of men did not. क्योंकि men ने फिर से कहीं ना कहीं अपना job फिर से ले लिया. After the demonetization, jolt came GST. अब GST के लिए भी जो small enterprises थे पहले उन लोग को tax compliant environment, मतलब ease of doing business उन लोग को for the time being नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सरकार की खुद की unpredictability थी GST को लाने के बाद भी. ठीक है, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा यू नो जॉब लॉस हुआ. तो इसके लिए नो डाउट ओवरऑल अगर जॉब लॉस देखिएगा काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल इन नंबर था. और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट तो ये सजेस्ट करती है दैट एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं श्रंक हो गया था इन 2018 बाई 11 मिलियन विच इज़ ह्यूज, राइट. The brunt of this was again borne largely by women, but men too were impacted. Of course, men bhi impact hue the, but maximum jo hai, women's impact hue the. Unemployment rate for men was 4.9% in 2018, but wahin par women ka agar dekh lijiyega, to India mein unemployment jo hai, wo aur bhi badh gaya, much higher, that is 14.9% than the previous year. And drawing women into labor force by removing impediments they faced to at least bring their participation level close to the global standard is significantly important. जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है दैट देखो भैया लेबर फोर्स में वुमेन को ले आओ. ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग जब भी इस टाइप के आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे एक जरूर पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं मैकेंसी के रिपोर्ट्स के बारे में, दैट मैकेंसी अगर चाहती है तो यू नो ये इंश्योर करती है, मतलब मैकेंसी ने बोला था अपने रिपोर्ट में दैट अगर वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में ज़्यादा बढ़े तो ऐसा आने वाले समय में हो सकता है दैट प्रोडक्टिविटी जो है बहुत गुना बढ़ जाती है देश की, GDP में यू नो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है. और देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट हम लोग एज एन इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री वी एस्पायर ना दैट हमारा डबल डिजिट ग्रोथ हो. ठीक है, तो हमारा डबल डिजिट ग्रोथ एस्पायर किया वो हम बिल्कुल सक्षम भी हो सकते हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन का जो है वो बढ़ता रहे. क्योंकि ऐसा यू जो नॉर्मल सर्वेज में होता नहीं है तो उसमें मैं कहीं पर देख रहा था दैट करप्शन अगर लेवल देख लीजिएगा ना वुमेन्स के में काफ़ी ज़्यादा कम होता है. ठीक है, और मेन में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, क्योंकि जो वुमेन जो है ना यूजुअली ऐसा कहा जाता है दिल से ज़्यादा सोचती है. दिल से मतलब वो लोग एक अगर सोचिए मेन है जो कि आप 24 साल का है, एक वुमेन महिला है वो भी 24 साल की है, तो यूजुअली मेन का तो मेंटल एज 24 साल ही रहेगा बट इनका जो मेंटल एज रहता है ना वो 26 से 27 साल का रहता है. ठीक है, मतलब ज़्यादा मैच्योर्ड होती है यूजुअली वुमेन, है ना. अब वो ज़्यादा मैच्योरिटी रहती है, आप खुद ही सोचिए ना मैच्योर्ड होने से ज़्यादा इंसान बेहतर होता है ना. तो इंसान क्या होता है ना दैट दूर का ज़्यादा सोचता है. ठीक है, और वुमेन क्योंकि इनके भीतर में एक वो क्या बोलते हैं माँ वाला कॉम्पोनेंट आ जाता है ना दैट यू नो थोड़ा केयर करने वाला ज़्यादा कॉम्पोनेंट रहता है ना. तो यू नो केयरिंग कंपोनेंट के कारण ये लोग थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा दूर का सोचते हैं और थोड़ा ज़्यादा यू नो रैशनल और ज़्यादा होलिस्टिक डिसीजंस लेते हैं ये लोग, ऐसा कहा जाता है. और मैकेंसी के रिपोर्ट में भी ये कहा गया था तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा. सो एनीवेज ये बताया गया है दैट ओवरऑल वुमेन ये जो स्ट्रेस दिया जा रहा है दैट वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेज किया जाए, ये नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकली इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग फेज में है. और अगर हम चाहते हैं तो दैट हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले समय में और भी बढ़े तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट वुमेन्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े. एंड दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये सिर्फ खुला हुआ है 2030 तक ही. मतलब देखो अभी जो चीज़ बिगड़ गया ठीक है, 2030 तक भी हम ये सुधार सकते हैं दैट वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ा करके. ठीक है, और ये बढ़ाने के लिए हमें डिफरेंट अदर फैसिलिटीज़ भी मुहैया करवानी पड़ेगी. जी हाँ,
है ना, जैसे उनका एडुकेशन लेवल में फोकस करना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसा कानून बनाएंगे जहाँ पर यू नो वर्क प्लेस में जो उनका उनका शोषण होता है वो घट जाए, वैसे कानून बनाए हुए हैं नो डाउट, बट इफेक्टिवनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा कम दिखती है, ठीक है। तो ये सब सब कुछ करके हम लोग सरकार को आगे आना पड़ेगा, तभी ये इंश्योर कर पड़ सकता है हम आगे दैट वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो मेन के इक्वल हो, और साथ ये भी इंश्योर कर सकते हैं हम आने वाले समय में दैट यू नो उनको वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में आने वाले समय में मिले, ठीक है। तो ओवरऑल ये जॉब के रिलेटेड ज़्यादा था, है ना, रिस्पेक्ट विस्पेक्ट तो खुद ज़्यादा ही कभी कभी बोल देता हूँ, बट एनीवेज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को लेकर ये ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया हुआ आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए दैट आप क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, चलिए ये क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, है ना, एक कुछ क्वेश्चन में रहता है दैट आप लोग का बताइए दैट आप लोगों का क्या क्या सुझाव है दैट वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स को बढ़ाने के लिए हमें और क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सेक्टर में हमारी अभी भी खामियां एग्जिस्ट कर रही है कानून में, ठीक है। जैसे एक कानून तो मैंने आपको बोल ही दिया, ठीक है, दैट मैटरनिटी रिलीफ वाला, ठीक है, तो उस लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा जाता है दैट कॉर्पोरेट्स जो है वो वुमेन को हायर नहीं करती है ज़्यादातर, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जस्ट है दैट आप बताइए दैट किस क्या क्या और खामियाँ एग्जिस्ट कर रही है जो कि हमने इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया और क्या क्या करना चाहिए, है ना। तब तक मैं आपके कुछ कुछ तब पढ़ भी लूँगा मैं आपके फिर कमेंट्स। हाँ सही बोला दीपाली, यही चीज़ है, मतलब ये आप मतलब हाँ मेनी फैमिलीज डू थिंक लाइक दैट। सुजाता गुप्ता आई एम रॉन्ग, किस सेक्टर में आई एम रॉन्ग बताइए। मैं तो अगेन बोल रहा ना, मैं कोई पर्टिकुलर फैमिली को कोई ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं इन जनरल चीज़ें बता रहा हूँ जो क्या एक्चुअली में ज़्यादातर ऐसे देखने को मिल रहा है, तो आप बताइए मैं किस सेक्टर में रॉन्ग हूँ, है ना। हेलो एवरीबडी whosoever is being joining late, स्किल इंडिया launched, can we say that they are unemployed when they leave from course? देखो स्किल इंडिया का लॉजिक देख लोगे ना, वो इन टोटल अलग है। उस स्किल इंडिया मिशन के तहत ये इंश्योर किया जाता है दैट लोगों को जो है कोई पर्टिकुलर सेक्टर में स्किल प्रोवाइड करवाया जा सके। लोग अनस्किल्ड होते हैं ना, और स्किल्ड मतलब क्या, जैसे बुनाई है ना, ये भी स्किल ही हुआ यार, आपको अगर बुनाई नहीं आता तो यू कान डू इट राइट। बट स्किल इंडिया जॉब के तहत जो है ये इंश्योर किया जाता है दैट उनको सिखाया जाए, कुछ सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स दिया जाए जिससे कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सके, ठीक है, अपना बिजनेस खोल के अपने यू नो कमाई कर सके, वो उसी लिए स्किल इंडिया का है। तो स्किल इंडिया में आप ये कैसे रिलेट कर रहे हो दैट अगर यू नो जैसे कोर्सेज से हटने के बाद दे आर अनएम्प्लॉयड, इट जस्ट एक एवेन्यू है जो कि सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। सरकार इंश्योर करती है दैट उन्हें कुछ कुछ स्किल्स मिल जाए, और इसके लिए सरकार जो है लोन्स भी प्रोवाइड करवाती है उनको, मुद्रा लोन के तहत, ठीक है, शिशु तरुण किशोर लोन पढ़ा है ना मुद्रा योजना, वो नहीं पढ़ा है तो जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट स्लैब्स के अंडर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000 तक भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये इंश्योर किया जाता है अगर कोई स्किल इंडिया के तहत यू नो कोई स्किल अगर वो ले रहे हैं और वो अगर इसको अपना कमर्शलाइज करना चाहता है आने वाले समय में, तो वो यू नो मुद्रा लोन लेकर उसको कमर्शलाइज कर सके, ठीक है। अर्ली मैरिज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या वेरी ट्रू अर्ली मैरिज, हाँ इसको आप सही बोला मेराज ने दैट क्योंकि जल्दी शादी हो जाता है ना, ठीक है, तो जल्दी फैमिली का प्रेशर भी उनके ऊपर आ जाता है, जल्दी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो आप छोटे के उम्र में ही अगर आप बच्चे पैदा कर लोगे, ठीक है, तो यू नो आपको ऐसा लगेगा दैट यार आप अभी तो माँ हो गए ही हूँ, ठीक है, तो क्यों
फिर से जॉब में जाऊं, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं परसेप्शंस बनी हुई रहती है। हायर इनकम गर्ल सेफ्टी वुमेन डोमिनेटेड सेक्टर मस्ट बी क्रिएटेड। अच्छा, अर्ली मैरिज तो यस इट इज रीजन। अगर किसी लेडी को घर जितनी अच्छी तरह संभालती है उसी तरह वो किसी वर्क प्लेस को भी मैनेज करती है। सी दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट अगर जैसे घर संभालती है वो वर्क प्लेस को भी वैसे ही मैनेज करती है। ऑफकोर्स वो मैंने कुछ ऐसा इसको तो मैंने रॉन्ग बोला ही नहीं, ठीक है? मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ दैट लोगों का परसेप्शन जो है ना, सोसाइटल कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है ये टैब, मतलब लोग एक कल्चरल बिलीफ है दैट अरे भैया लड़की लोग जो है ना शादी कर लिया तो क्यों, कोई कोई ऐसा फैमिली सोचती है दैट हम लोग क्यों भेजे, ठीक है? अब हमारा यही कहना है दैट यू नो लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये लोगों का रिग्रेसिव थॉट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है? इनफैक्ट लोगों को ये सोच बदलना चाहिए दैट क्योंकि वो घर में ज़्यादा संभालती है एग्जैक्टली वर्क प्लेस को भी वैसे ही संभालती है। तो मैंने इसको कभी इस पॉइंट को काटा ही नहीं आपका, ठीक है? कुछ सीनियर सिटीजन एग्जैक्टली शुरू से ही बॉयज को कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रायोरिटी मिलती है ना? हाँ वही लड़के चाहिए है ना। उसके इसके रिलेटेड एक चैप्टर भी आया था पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है? वो से हमने डिस्कस भी किया था दैट कहीं ना कहीं यू नो लोगों को ऐसा चाहिए होता है दैट हाँ भैया लड़के ही चाहिए होता है, लड़के ही चाहिए होता है। वो तो अभी जस्ट अभी चीज़ें लेकिन बदल रही है, पता है? क्योंकि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का जो अभी वेव चला है ना हमारे देश में, ठीक है? आप देख लीजिए ना रिसेंटली INS तरीनी में, ठीक है? पूरा देश पूरा दुनिया का चक्कर लगाई है कौन महिलाएं, ठीक है? हमारे मेडल्स जो इतने स्पोर्ट्स में ले आ रहे हैं ज़्यादातर महिलाएं अभी ला रही हैं, ठीक है? तो और कोई भी फील्ड में देख लीजिए ना, वो आर्ट देख लीजिए, इंजीनियरिंग UPSC टॉपर्स देख लीजिए, ठीक है? महिला कॉलेज भरा हुआ रहता है ना? सो यू नो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे बदल रही है। हाँ पुष्पेंद्र, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हाई इनकम हाउस होल्ड इज वन ऑफ द रीजन, वी हैव अर्लियर डिस्कस दिस, राइट? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज लेस, थैंक यू मेराज, यही मैं चाह रहा था, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये कौन आंसर दे रहा है, ठीक है? तो इन्होंने बोल दिया दैट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रेट जो है ये काफी ज्यादा कम है। वैसे तो पंचायती राज ये सब में तो इंश्योर किया गया है दैट भैया 33% उन्हें रिजर्वेशन मिले, बट सेंट्रल लेवल में दैट इज लोकसभा इलेक्शंस में जो है उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी जो है वुमेन्स का कभी कहीं कहीं 33% रिजर्वेशन नहीं होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेंट्रल लेवल में अगर देख लीजिए मात्र अभी 11% रिजर्वेशन है वुमेन का, ठीक है? और ये पता है क्या होता है ना, बीच बीच में पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली जो अपोजिशन में रहती है ना, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज वो लोग कभी इसका हल्ला नहीं करती है, जो अपोजिशन में रहती है ना वो आवाज उठाती है, ठीक है? अब फ्यूचर में जब वो अपोजिशन पार्टी फिर से मेन सरकार में आ जाती है ना फिर आवाज उठाना बंद कर देती है, ठीक है? तो ये सब चीज कहीं ना कहीं चीजें होता है, बट हाँ ये चीज आप बता सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है दैट सेंट्रल लेवल में जो है इसका रिजर्वेशंस का जो फायदा है वो देना पड़ेगा इनफैक्ट औरतों को, तभी हम ये इंश्योर कर सकते हैं दैट वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आने वाले समय में बढ़े। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बायोफ्यूल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में, एक आर्टिकल है बेसिकली, ठीक है? क्योंकि आज का मेजर आर्टिकल वही था, तो ये वाले आर्टिकल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स रहता है सब समय का, है ना? सो बायोफ्यूल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया अगर देख लीजिएगा पेट्रोलियम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है? इनफैक्ट हमारा 82% ऑफ द क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ही, दैट इज सऊदी अरब ईरान यही सबसे हम लोग जो है मंगवाते हैं, ठीक है? 82% मतलब बाकी सब पर्सन जो है अपने घर में भी कुछ कुछ उग जाता है भाई, ऐसा बात नहीं है। आसाम में दिग्बोई प्लांट है, ठीक है? हमारे मुंबई के ऑफशोर रीजन में काफी ज्यादा यू नो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन प्लांट्स है, ठीक है?
सो एनीवेज वो सब अपना भी है बट मैक्सिमम जो है हम लोग मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट ही करते हैं, जिसके कारण हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो दिन बर दिन बढ़ते रहता है. नाउ द राइजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल हैज ऑल्सो रेज द इंक्रीज इन कंजम्पशन वेयर द क्रूड ऑयल इम्पोर्ट वॉल्यूम हैज अमाउंटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 2017 मिलियन मेट्रिक टन ड्यूरिंग द ईयर 2018. ऑटोमोबाइल्स की संख्या में लोगों के पास पैसे हो रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल्स भी संख्या बढ़ रही है. ऑफकोर्स अगर आपके पास पैसे बढ़ेंगे तो आप चाहिएगा ना दैट यू नो गाड़ी वाड़ी खरीद ले, जैसे एक जगह से दूसरे जगह का कभी जाना हो तो यू नो एक यू नो देर विल बी कन्वेंस ऑफ मीडियम राइट. सो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए दिन भर दिन साल दर साल जो है क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट जो है बढ़ते ही रह रहा है. It was around 2003 million metric ton in the year 2016 and this has led to fall in the value of foreign reserve. जी हाँ, foreign reserve का value जो है काफी ज्यादा गिर गया and also it faces frequent disturbance due to rise of crude price. क्योंकि देखो related है सब कुछ, ठीक है. क्रूड ऑयल जो है ना इसको कहा जाता है vein of economy, ठीक है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा ना अगर सोचिए तो आपका अगर बिजनेस भी चला रहे हो तो आप अगर कोई दूसरा जगह से आप अपने बिजनेस प्लेस तक अगर आपका कोई माल अगर आप ले आ रहे थे और उस ट्रक वाले को से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये दे रहे थे तो वो तो मांग करेगा ना भैया ऑयल पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है मेरे को 6,000 रुपये दीजिए. तो आप अगर इस बंदे को 6,000 रुपये दोगे तो आप तो कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करोगे ना दैट मेरे को तो 6,000 रुपये देना पड़ा तो मैं आपसे इधर यू नो तीन दो पाँच रुपये करके बढ़ा के लूँगा प्रोडक्ट्स में, समझ रहे हैं. तो अल्टीमेटली जो है ये वेन ऑफ इकोनॉमी है जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेन हमारे फॉरेन करेंसी में फॉरेन रिजर्व में भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. और अगर इस ये जो बढ़ता हुआ रिक्वायरमेंट है ऑयल का इसको अगर हमें कंटेन करना है तो गवर्नमेंट और साथ ही साथ डिफरेंट अदर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट इसके कुछ रिप्लेसमेंट लाया जा सके. और इसका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है बायोफ्यूल. नाउ बायोफ्यूल है क्या? ये एक लिक्विड या फिर गैशियस कंपोनेंट होता है जिसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है एंड दे आर प्राइमरली इसको प्रोडक्शन किया जाता है ना तो उसको बायोमास के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है. कभी कभी तो इसको एज अ अल्टरनेटिव यूज किया जाता है दैट इज पेट्रोल डीजल को हटाकर बायोफ्यूल ही यूज कर दिया जाता है. कभी कभी क्या होता है ना दैट बायोफ्यूल को एडिशन किया जाता है या तो डीजल या तो पेट्रोल या फिर डिफरेंट अदर काइंड ऑफ फ्यूल्स के साथ, ठीक है, जिससे सरकार को भी यू नो थोड़ा मुनाफा हो सके, समझ रहे. तो द क्रॉप्स विथ हायर शुगर कंटेंट जैसे शुगर कैन, शुगर बीट, स्वीट शोरगुम एंड मोस्ट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बेसिकली दीज आर द बेसिकली थिंग्स विच आर मैक्सिमम यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ठीक है. शुगर कैन ले लीजिए, शुगर बीट ले लीजिए, स्वीट शोरगुम ले लीजिए, इवन स्टार्ट जैसे मेज या फिर टेपोएका या फिर ऑयल जैसे सोयाबीन, रेप सीड, कोकोनट, सनफ्लावर, ये सब भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. नाउ बायोफ्यूल के जब भी नाम सुनिएगा आप तीन कैटेगरीज में सुनिएगा दैट इज फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? वैसे बायोफ्यूल जो कि हम शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल फैट के थ्रू इस्तेमाल करके यू नो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल करते हैं, फ्यूल कहते हैं. और ये इंक्लूड करता है बायो अल्कोहल, बायो डीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर्स एंड बायो गैस. अब सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या कहते हैं? वैसे फ्यूल्स जो क्या प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम नॉन फ्रूट क्रॉप्स, जैसे यू नो वेस्ट बायोमास, जैसे आप लीजिए वीट या फिर कॉर्न का जो स्टॉक्स होता है ना उसके थ्रू, वुड के थ्रू, ठीक है, तो वो सबको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल. और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल तीसरा वाला आता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गी के थ्रू आप उगा सकते हैं या फिर बना सकते हैं, सॉरी आप यही बोल सकते हैं दैट इनके थ्रू बनाया जा सकता है, वो है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स. इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसीलिए इसका यूज़ करने को ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली ये भी फ्यूल है, ठीक है, और जो हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल यूज़ करते हैं वो भी फ्यूल हुआ है ना, बट उससे जो है पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, इससे जो पॉल्यूशन है बहुत हद तक कम हो जाता है ना. तो बायोफ्यूल जो है ये क्या हुआ? इको फ्रेंडली, ठीक है, ये क्या हो सकता है? व्हीकल के एमिशंस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है ना. इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, है ना, तो इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं दैट आने वाले फ्यूचर में जो बायोफ्यूल का भी घटेगा नहीं, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रिपरेशन भी ईजी है और यू नो हम लोग जो अभी इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ओवर डिपेंडेंट है ये बोल सकता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है.
बायोफ्यूल इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन, क्यों? क्योंकि इसमें जो है एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पेक्टिवली अगर आप वही फ्यूल, नॉर्मल फ्यूल अगर यूज कीजिएगा, उससे जो एनर्जी बूस्टर्स जो निकलते हैं, जो कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आपके इंजन में, रिस्पेक्टिवली बायोफ्यूल्स में जो है उससे ज़्यादा एनर्जी बूस्टर्स रहता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा होता है इसका यूजेजेस करना. नेक्स्ट इज इसका ल्यूब्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, दैट इज़ दे ऑफर गुड ल्यूब्रिसिटी टू द व्हीकल. इससे क्या होता है ना, दैट व्हीकल की जो पिस्टन है, इंजन जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है. आप नॉर्मल अगर फालतू के अगर कोई भी पेट्रोल डीजल सिर्फ अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सल्फ कभी कभी बीच में काफ़ी मिलावट हो जाता है, ठीक है. मिलावट के कारण क्या होता है ना, दैट आपके भीतर के जो पिस्टन्स है, भीतर के जो यू नो, अगर आपने कोई मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा तो वो अच्छे से समझेगा चीज़ों को, ठीक है, तो वो जो भीतर से मटेरियल ख़राब हो जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इरोड हो जाती है. बट बाकी लोग जो है, मतलब ये सब जो, क्योंकि इनका ल्यूब्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है तो इरोजन जो है रिस्पेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा लेट से होता है. इससे क्या होता है ना, व्हीकल पार्ट्स जो है वो सेफ रहती है. सिंस दे आर फ्रॉम बायो कंपोनेंट, दे आर वेरी सेफ फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विथ नॉन टॉक्सिक. ये नॉन टॉक्सिक भी होता है, इसका स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है और ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है. फर्दर अगर यू नो आप नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूल्स के रिस्पेक्टिवली अगर CO2 एमिशन देख लीजिएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है इन केस ऑफ बायोफ्यूल, तो इससे जो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है. बायोडीजल इज एन ऑल्टरनेटिव डीजल फ्यूल प्रिपेयर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक रिन्यूएबल सोर्सेज फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स. जी हाँ, ये एक ऑल्टरनेटिव डीजल फ्यूल है जिसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम डोमेस्टिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स के द्वारा. एंड एज इंडिया इज डेफिशिएंट इन एडिबल ऑयल, non-edible oil may be material of choice for producing biofuel. Example, jatropha, है ना, jatropha, ये seeds काफ़ी ज़्यादा important होता है, बीच बीच में news में भी आता है, ठीक है. So इसके you know help के through काफ़ी ज़्यादा ये biodiesel का भी production किया जाता है. अब what kind of biofuels are there, तो वो जो है तीन kind of different other discuss किए गए, वैसे ये ज़्यादा important नहीं है, है ना, but still jatropha जो है ये एक multipurpose non-edible ऑयल यील्डिंग प्लांट है, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है. ये इट इज़ वेरी हार्ड एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप एंड इट कैन बी रेज्ड इन मार्जिनल लैंड्स विथ लेसर इनपुट्स, बहुत कम इनपुट्स, मार्जिनल लैंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी किया जाता है, ठीक है. शुगर बीट्स के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इट इज़ शुगर प्रोड्यूसिंग ट्यूबर क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन टेम्परेट कंट्रीज और नाउ ट्रॉपिकल कंट्रीज भी यू नो शुगर बीट के डिफरेंट अदर वेराइटीज़ को यू नो प्रोड्यूस कर रही है और आने वाले समय में एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेट फ्यूल हो सकता है, मतलब इसके थ्रू जो है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन जो है एक प्रॉमिसिंग यू नो अल्टरनेट फ्यूल हो सकता है. नेक्स्ट इज शोरगुम, इट इज़ यूजुअली अ कंपोनेंट विच एड्स वैल्यू टू इथेनॉल सिरप एंड जगेरी, है ना, और इसके थ्रू भी आप बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पोनगैमिया, ये एक नॉन एडिबल ऑयल यील्डिंग ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करता है बायो फ्यूल, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं भी है. बट अब हम लोग अच्छी अच्छी बात तो डिस्कस कर रहे हैं, बट इनके ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होती है. वो लिमिटेशंस क्या क्या है, दैट इन्वेस्टमेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सीड प्रोडक्टिविटी रेशियो. जी हाँ, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो ये इंश्योर करना, मतलब यू नो अब देखो क्या है ना, देश में हमारा जो इसका प्रोडक्शन है हाई लेवल में भी नहीं है, है ना, हाई लेवल में नहीं है, ज़्यादातर ये ल्यूक्रेटिव यू नो सेक्टर नहीं लगता है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है. और क्योंकि ये मास प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए जो है रिस्पेक्टिवली थोड़ा मोड़ा अभी रिसेंट फेज में कहीं ना कहीं महंगा दिख रहा है. बट कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में जब इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई में हो जाएगा तो यू नो प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना. बिसाइड इफ एनी फॉलो बायोफ्यूल यील्डिंग क्रॉप इट लीड्स टू मोनोकल्चर वेयर फार्मर यूज द सेम क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर. देखो क्या होता है ना, दैट ऐसा होने के आने मतलब एक लिमिटेशंस ये है दैट अगर सोचिए बायोफ्यूल यील्डिंग क्रॉप्स को अगर सरकार उगाना यू नो बोले दैट हाँ भैया इसको उगाओ तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सही होगा, तो क्या होगा ना, किसान सोचेगी अरे भैया रिस्पेक्टिवली इसमें तो ज़्यादा मेरे को मुनाफा मिल रहा है, ठीक है, तो हम नॉर्मल अदर वेरियस क्रॉप्स अदर फूड क्रॉप्स क्यों उगाए हम, तो हम यही उगा देते हैं. अब सोचिए अदर फूड क्रॉप अगर नहीं उगेगा तो फिर मार्केट में यू नो क्रॉप्स की या फिर प्रोडक्ट्स की जो काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी जो कि पहले किसान उगाती थी, ठीक है.
तो इससे क्या होगा ना, नुकसान अल्टीमेटली हमारे सरकार को ही सहना पड़ेगा, हम लोग को ही सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भाग जाएगी। पहले अगर प्याज बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता था, अभी प्याज अवेलेबल होगा ही नहीं, है ना। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड जैसे बढ़ेगा तो वैसे दाम भी बढ़ जाएगा सब चीज़ का। दो इट कुड बी इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव फॉर फार्मर्स, दे कुड लीव द सॉयल विदाउट द न्यूट्रिएंट्स। वैसे तो इकोनॉमिकली हो सकता है फार्मर्स के लिए, बट ऐसा ये डर यही है दैट सॉइल को ये जो है, सॉइल का न्यूट्रिएंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा सोख सकता है। ठीक है, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस सेक्टर? गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 लाया था। इनफैक्ट हमारे कैबिनेट ने, जो कि चेयर किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने अप्रूव किया था। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है इसके, वो ये था दैट सप्लाई चेन मैकेनिज्म के तहत बायोडीजल का प्रोडक्शन करना है, और ये इंश्योर करना है नॉन ईडेबल ऑयल सीड्स जो है उसको काफ़ी ज़्यादा उगाया जा सके। यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो सब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बिजनेस फर्म्स, उनसे बोला जाए भैया आपका जो भी कुकिंग ऑयल यूज हो गया, जिसको आप दोबारा यूज़ नहीं करोगे, उसको प्लीज़ दे दो, जिसके उसको हम लोग यू नो प्रोसेस कर सकते हैं, उसके कुछ लमसम कुछ अगर पैसे भी दे दे तो वो भी सही है। इट एक्सपैंड द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बाई अलाउइंग यूज ऑफ शुगर केन जूस, शुगर कंटेनिंग मटेरियल जैसे शुगर बीट, स्वीट शोरगुम, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल लाइक कॉर्न, देन डिफरेंट अदर थिंग्स। ऑफकोर्स सब नाम हमें याद भी नहीं रखने हैं। कंक्लूजन में ये बोला जाता है दैट बायोफ्यूल्स जो है, नो डाउट इसका इतना बड़ा पोटेंशियल है दैट ये इकोनॉमिक एंगल से भी हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचा सकता है। इन्वायरमेंट एंगल से तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि ये ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ठीक है, एंड एक प्राइमरी बेनिफिट इसका सबसे ज़्यादा ये होगा, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस किया दैट इंपोर्ट डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इंडिया भी बहुत ज़्यादा है, वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी घट जाएगी, और इससे फोरेक्स रिजर्व में भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमारा सेविंग होगा। ठीक है, इट सेव्स अराउंड 20,000 टन्स ऑफ CO2 एमिशंस। और ऑफकोर्स आप सोचिए, अगर इतना सेव कर रहा है और अगर इसका यूजेज नहीं करते तो ऑफकोर्स 20,000 टन का CO2 एमिशन ज़्यादा होता। ठीक है, अब ज़्यादा अगर होएगा तो ये सोचो दैट कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ग्रीन हाउस गैस ही ना है भाई। ठीक है, सो ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ या फिर वेस्ट को हम लोग बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सके, या फिर थर्ड जनरेशन अगर बायोफ्यूल हम लोग प्रोड्यूस कर सके, तो ओवरऑल जो है इन्वायरमेंटली काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, और अगर लार्ज एंगल देख लीजिएगा तो इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा इससे हो सकता है। इसलिए बायोफ्यूल का यूजेज जो है उसको ज़्यादातर प्रमोट किया जाता है। ठीक है, देखो वैसे सरकार तो अभी प्रोडक्शन तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बट 100% उसका यूजेजेस ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है अभी के, क्योंकि इनिशियल फेज में है। ठीक है, तो अभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसका नहीं होता, इसलिए जो रिस्पेक्टिवली कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाएगा, डिफरेंट अदर रीजन्स पे प्रोडक्शन स्टार्ट इसके हो जाएंगे, तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। तो फ्यूचर में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या तो यू नो मिक्सअप करके इंट्रोड्यूस किया जाए मार्केट में, या फिर होल एंड सोल कोई बायोफ्यूल ही इस्तेमाल किया जाए मार्केट में। चलो ठीक है, साउंड इश्यू, चलो एनीवेज नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन फार्मेसीज। अब देखो ऑनलाइन फार्मेसीज होता क्या है, अगर पहले तो नॉर्मल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो आप जो दुकान से जो मेडिसिन खरीदते हैं ना, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाता है ना दैट वो ऑफलाइन फार्मेसी हो गया। ठीक है,
बट ऑनलाइन फार्मेसी जैसे आप इंटरनेट से यू नो ऑर्डर कर दिए भैया मेडिसिन और अपने एड्रेस में मंगा लिए, तो ऑनलाइन फार्मेसीज काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में ग्रोथ देखने को मिल रहा है रिसेंट फेज में। तो उसी को कहीं ना कहीं एनालाइज करते गए इस आर्टिकल को यहाँ पे समझाया गया, कहा गया है दैट नो वन वुड हैव बिलीव्ड और इमेजिन दैट अभी जैसे ऑनलाइन मेडिसिन का जो बिजनेस इतना बढ़ गया है ना, मतलब ऐसा किसी ने सोचा नहीं था दैट इंटरनेट के थ्रू इतना ज़्यादा मेडिसिन का बिजनेस बढ़ जाएगा। बट बोला जा रहा है डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिशनल फार्मेसीज पीपल स्टार्टेड प्रेफरिंग ई फार्मेसीज फॉर ऑर्डरिंग मेडिसिन। लोग ई फार्मेसीज के ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है, लोग यू नो ई फार्मेसीज के थ्रू जो है मेडिसिन मंगा रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इंटरनेट स्पेस में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी कर रहा है। धीरे धीरे कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, लोगों को लग रहा है दैट भैया अगर हम ऑफलाइन मार्केट से अगर हम लोग फार्मेसीज मेडिसिन अगर खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। सो जस्ट ट्रांजिशन टू ई फार्मेसीज, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा यू नो डिस्काउंट अवेलेबल करवाते हैं, है ना। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्काउंट जो वो लोग अवेलेबल करवाते हैं ना उसके क्या क्या रीजंस है। पहला तो बात यहाँ पे लिया गया एडजस्टेबल प्राइसिंग। देखो क्या होता है ना दैट रिटेल मेडिसिनल स्टोर्स में जो है, सोचिए ये आपका स्टोर है, ठीक है, रिटेल मेडिसिन, यहाँ पे यू नो आप दो बंदों को काम करने के लिए रखिएगा, दो बंदों का कॉस्ट दीजिएगा, उन लोग को पैसा देना पड़ेगा, ये जो आपने मेडिसिन का जो भाड़े लिया है इसको आपको पैसे देने पड़ेंगे भाड़ा, ठीक है। तो ये सब जो है ऑनलाइन के सिस्टम में तो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अगर सोचिए तीन चार जनों को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन वाले में क्या होगा ना, मैक्सिमम एक जन को अपॉइंट कर लो, है ना, उसको बोलो दैट सारा माल तुमको पैक वैक करना है ना, या फिर दो जन, मतलब रिस्पेक्टिवली अगर फिजिकल स्टोर के रिस्पेक्टिवली देखिए तो कम काफ़ी ज़्यादा हायर करना पड़ता है, तो उनका जो कॉस्ट जो आ जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाता है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कम आ रहा है तो ये इसका हम डिस्काउंट बना के लोगों को दे सकते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी विद इन अ शॉर्टर टाइम के थ्रू जो है हम उनको डोर स्टेप डिलीवरी का भी प्रावधान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स बन गए हैं जो क्या एक दिन में यू नो आपका घर में प्रोडक्ट्स डिलीवरी कर देते हैं, ठीक है। दूसरा वैरायटी ऑफ मेडिसिन, क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से आप ऑफलाइन स्टोर में खरीदिएगा तो आपको यू नो दो तीन काइंड ऑफ मेडिसिन ही अवेलेबल होंगे, बट ऑनलाइन में तो जस्ट एक भंडार है, ठीक है, आप जो मेडिसिन बनाए आप वही मेडिसिन यू नो तैयार कीजिए। सो ये कहीं ना कहीं पेशेंट्स को अलाउ करता है दैट कौन सा मेडिसिन वो यूज करे जो क्या उसको ज़्यादा सूट हो सके। रीच एंड एक्सेसिबिलिटी, पेशेंट्स इन द रिमोट एरियाज कैन एक्सेस एंड गेट द मेडिसिन ही और शी वॉन्ट्स। जी हाँ, वैसे पेशेंट जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं वो लोग एक्सेस कर सकते हैं यू नो इस ऑनलाइन फार्मेसीज को, क्योंकि पहले क्या होता था ना उन लोग को शहर आना पड़ता था, शहर आके खरीदना पड़ता था, अभी वो घर में बैठे बैठे अगर ऑर्डर कर दे तो उसका जो फार्म जो भी है मेडिसिन वेडिसिन उसके घर तक पहुँच जाएगा, ठीक है, मतलब उन्होंने मेडिसिन के दुकान को ही उठा के घर में ले आया है। ऑनलाइन फार्मेसीज हैव मेड पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बाई ड्रग्स, हर एक लोग यू नो इससे दवाइयाँ खरीद सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वो किस लोकेशन में है, ठीक है। टाइम सेवर इज अ मेजर फैक्टर, जहां पे यहां बोला गया दैट ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू जो है यू नो विद इन अ फ्यू स्पैन ऑफ डेज मेडिसिन चले आते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेवर भी हुआ, क्योंकि पहले लोगों को जैसे कि मैंने बोला रिमोट एरिया में जो रहते थे उनको जाना पड़ता था शहर, और शहर में जाकर ले आना पड़ता था चीज़ों को, ठीक है। तो आप नॉर्मल सोचिए रिस्पेक्टिवली इसका कॉस्ट जो है वो तो ज़्यादा लग जाता था ना, बट अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है। बट कुछ कुछ ऐसा नहीं है, डेंजर्स ऑफ ऑनलाइन फार्मेसी भी है, दैट इज़ बहुत सारे ऐसा कभी कभी एलिगेशन लगता है दैट ये जो बेचे जाते हैं दवाइयाँ वो फेक दवाइयाँ होती है, ठीक है, यू नो या तो डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, नाम वही होता है या फिर थोड़ा कभी कभी नाम चेंज होता है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है ना उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है ना, या फिर कभी कभी तो इंग्रेडिएंट्स होते भी नहीं है कुछ कुछ बहुत सारे, है ना। और कहा जा रहा है दैट इसको कंज्यूम करने से बहुत समय ऐसा भी बताया गया जहाँ रिस्क हो सकता है आपके शरीर सेहत को। देखो ये सब तो फालतू वाली बातें हैं जो कि बोलने के लिए, क्योंकि अभी आप खुद ही सोचिएगा अगर नॉर्मल कॉमन सेंस लगाकर तो कोई भी जो दवाई वाली स्टोर है वो ऑफकोर्स सब कोई चाहता है दैट मेरा बिजनेस बड़ा हो, कोई नहीं चाहता दैट हम दो नंबर ही माल देकर अपने बिजनेस को बर्बाद करें, ठीक है, कभी नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। Beside, while ordering medicines from overseas online pharmacies, there are risks that they could have manufactured the drug
with little regard from patient safety. मतलब जब भी मेडिसिन ऑनलाइन किया जाता है ना ऑर्डर थ्रू ओवरसीज ऑनलाइन फार्मेसीज, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क बना हुआ रहता है दैट पेशेंट सेफ्टी को लेकर, क्योंकि केमिकल और एडल्ट्रेंट जो कि मिलाए हुए रहते हैं वो कभी कंटामिनेटेड भी होते हैं जो कि डेंजरस हो सकता है मनुष्य के सेहत के लिए. सिंस मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन फार्मेसीज फॉलो नहीं करती है कंपलसरी सबमिशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब आप खुद ही सोचिए यू नो कोई अगर मेडिकल फार्मेसीज में यू नो प्रिस्क्रिप्शंस अलाउ ही नहीं है तो वहाँ पे तो कोई भी कुछ भी ड्रग्स खरीद सकता है ना, है ना. मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अगर कोई भी ड्रग बोल दूँ हाँ भैया ये वाला ड्रग दे दो, ठीक है वो तो दे देगा बंदा क्योंकि उसको लगेगा दैट हाँ चलो भैया मेरा बिजनेस बढ़ रहा है. बट उसका ऐसा भी तो हो सकता है दैट कुछ कुछ ऐसे ड्रग हो जो कि एडिक्टेबल ड्रग हो, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो कि बताया जा रहा है. गवर्नमेंट ड्राफ्ट ऑन ऑनलाइन फार्मेसीज, द ड्राफ्ट रूल ऑन सेल्स ऑफ ड्रग्स ऑन ई फार्मेसीज स्टेट दैट नो पर्सन विल डिस्ट्रीब्यूट सेल स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर एनी सेल ऑफ ड्रग्स, है ना, अगर वो ड्रग पोर्टल जो है रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के सामने. तो कुछ भी अगर आप पोर्टल वोटल भी खोलना है तो आपको पहले रजिस्टर करवाना है सरकार के सामने, उसके बाद ही आप ये सब कर सकते हो. द डिटेल्स ऑफ पेशेंट शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, जी हाँ आप किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते. ये यूजुअली सब कंपनीज के साथ ही रूल्स होता है दैट इफ यू आर वर्किंग इन अ यू नो कंपनी यू कांट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर यू नो कस्टमर्स, राइट. आर ऑनलाइन फार्मेसीज थ्रेट टू ट्रेडिशनल फार्मेसीज, ये अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं, नो डाउट नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है. क्योंकि देखो ट्रेडिशनल फार्मेसीज का अलग ही रिस्पेक्ट है, अलग ही लोगों का भरोसा है उसमें, है ना. हमारी जनरेशंस थ्रू जनरेशंस यू नो ट्रेडिशनल फार्मेसी इस्तेमाल करती आ रही है. आप खुद ही सोचिए ना, आपका अगर अचानक से कुछ हो गया, है ना, सोचिए बहुत ज़्यादा आँख खुल नहीं रहा, आपका आँख को कोई ड्रॉपर चाहिए आँख में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन थोड़ो ना उसको मंगाओगे, आप तो जाओगे जल्दी से यू नो साम बाजू में जो भी मेडिकल शॉप है वहीं से ले आओगे. समझ लो बाद में क्या बोल रहा हूँ. तो इसलिए फिजिकल वाला जो है वो तो ऐड करता है वैल्यू, है ना, टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिशनल यू नो फार्मेसीज. कंक्लूजन में ये बोला जाता है ऑनलाइन फार्मेसीज जो है नो डाउट कंज्यूमर्स के लिए बून है क्योंकि उन्हें सस्ते दामों में मिल रहा है, अच्छी बात चीज़ें मिल रही है. इन एक्सेसिबल रीजन में जहाँ पे पहले लोगों को नहीं पहुँच रहा था वहाँ पर लोगों को बैठे घर में बैठा बैठा वह यू नो मेडिसिन मिल जाता है. बट कहीं ना कहीं अगर इस मेडिसिन इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर ओवरसाइट का लैक हो, है ना, तो ऐसा आने वाले समय में हो सकता है जिसमें फेक मेडिसिन जो है उसकी संख्या बढ़ जाए, एक्सपायर्ड डेट मेले मेडिसिन जो है उसकी संख्या बढ़ जाए, ठीक है, कंटामिनेटेड मेडिसिन की संख्या बढ़ जाए, और ये सब अगर होएगी तो इंसान के सेहत को बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, ठीक है. बहुत सारे ऑनलाइन फार्मेसीज जो इनको मॉनिटर नहीं किया जाता है, सो इसलिए बताया जाता है ये जो फार्मेसीज जो है ये फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को भी अंजाम दे सकती है. मोर ओवर ऑनलाइन फार्मेसीज जो है इट माइट इंक्रीज द सेल्फ मेडिकेशन एज वेल, ठीक है. दैट इज मतलब सब कोई डॉक्टर, ऐसे इंडिया में ये है दैट सब कोई अपने आप में डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है. कुछ भी गैस हुआ ये दवाई ले लो यार, सिर दर्द हुआ ये दवाई ले लो, है ना. तो लोग जो है खुद का सेल्फ मेडिकेशन वाला चीज़ें और भी बढ़ जाएगा, लोग डॉक्टर के पास कम जाएंगे, है ना. तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है क्योंकि देखो सेल्फ मेडिकेशन क्या मतलब कोई भी मेडिसिन का जो कंपोजिशन होता है ना वो डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट यू नो मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है, ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बच्चा हो कोई अगर एडल्ट हो, ठीक है, तो बच्चे के लिए बच्चे के तबीयत खराब बच्चे के जुखाम के लिए बच्चे का यू नो कुछ भी अगर तबीयत खराब हो जाए उसके लिए अलग दवाई होता है, बड़ों के लिए अलग दवाई होता है, ठीक है. मेल के लिए अलग होता है फीमेल की अलग होता है, ठीक है. तो यू नो ये बट हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है. तो और ये भी एक कंसर्न भी जताया गया है ये बताते हुए दैट ऑनलाइन फार्मेसीज जो है आने वाले समय में सेल्फ मेडिकेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है, ठीक है. सो ये रहा ऑनलाइन फार्मेसीज वाला आर्टिकल, आशा करता हूँ दैट ये वाला समझ में आया होगा आपको क्लियरली. हेलो हेलो एवरीबॉडी, इतना देर से आप लोग ज्वाइन कर रहे हो. हाउ टू मेक न्यूज़पेपर नोट्स, देखो जो अपन पढ़ाते हैं ना जैसे आज का पहला वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ठीक है, तो उसमें जो मेन मेन की पॉइंट्स है ना वो सब एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो आप, ठीक है. ऐसा नहीं दैट सब कुछ नोट्स बनाना नहीं है ना, जैसे यही वाला पेज ले लो, ठीक है. इसमें कंक्लूजन में हम लोग क्या बोला गया दैट कहीं ना कहीं लैक ऑफ ओवरसाइट है, ठीक है, मतलब सरकार ऊपर से जो है ओवरसाइट ठीक से नहीं रख रही ऑनलाइन फार्मेसीज में, ठीक है. तो ये एक अच्छा है दैट लैक ऑफ ओवरसाइट,
सिर्फ अगर हेडिंग बना दिया जाए ना दैट यू नो ऑनलाइन फार्मेसीज, ठीक है, और हेडिंग के नीचे आप सब हेडिंग दीजिएगा कंसर्न, है ना, कंसर्न में दीजिएगा लैक ऑफ ओवरसाइट, फेक मेडिसिन, आप खुद ही समझ जाइएगा दैट ये है क्या। उसको तो अल्टीमेटली हमको मतलब एक सेंटेंस बना के लिखना पड़ता है ना, सेंटेंस बनाने के तो सभी लिख पाएगा यार, है ना। तो कोशिश करो दैट सिर्फ जो कीवर्ड्स है उसी का नोट्स बनाओ, सब कुछ हमें नहीं बनाना चाहिए, ये मैं बार बार अपने क्लासेस में भी बोलता हूँ, है ना। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा क्लासेस एक्सेस करना है तो नीचे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक में जाकर आप यू नो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आप नहीं एक्सेस किया तो जरूर से एक्सेस कर लीजिए, यही सब है। फार्मेसी वाले में आ गए भाई हम लोग, साक्षी पूछती है सर डू यू कम डेली लाइव, या आई कम डेली लाइव राइट, बट कल क्योंकि देखो कोई आर्टिकल्स नहीं रहता तो कल हमारा क्लासेस ऑफ रहेगा, ठीक है, तो कल कोई क्लासेस नहीं होगा, है ना। चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, सो या विल मीट इन नेक्स्ट क्लास ऑफकोर्स, सो टुमारो देर विल बी नो क्लास ऑफकोर्स, क्योंकि कल कोई आर्टिकल नहीं रहता है, ठीक है, सो विल मीट इन नेक्स्ट वेरी क्लास ऑन मंडे ट्यूजडे, ठीक है, सो मेक श्योर यू नो गेट योर सेल्फ प्रेजेंट इन टू दैट क्लास एज वेल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गया दैट अगर आप ये जो नीचे जो लिंक दिया गया है ना, वहाँ पर अगर आप चाहे तो डिफरेंट अदर कोर्सेज जो क्या मेरे द्वारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में बनाए गए, ये सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। आप देख लो इस कोर्सेज में जो लिस्ट दिया हुआ है ना, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में अगर आपको नहीं पता, ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया गया है, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, ठीक है, एमसीक्यू प्रीलिम्स सीरीज, मेजर स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड आप ले लीजिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फुल कोर्स, ये वाला सिर्फ ये हेडिंग क्लिक कीजिएगा ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी फुल कोर्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में अगर आपका है, सीसैट के बारे में पेपर बनाया हुआ है, नेशनल पार्क्स, है ना, तो ये सब कुछ के यू नो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स गुड नाइट, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।